Next starts miscellaneous examples. Example 26. Write all the unit vectors in xy plane. xy plane के अंदर जितने भी यूनिट वैक्टर्स बनते हैं आप उसका बताएं. तो आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको मैं नीचे वाली डायग्राम आपको दिखाता हूँ. ये आ ठीक है. तो हमने सारे यूनिट वैक्टर्स लिखने हैं एक्स वाई प्लेन में. आप देखो एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये इसने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इज दिस. जैसे ये ओ पी वैक्टर है, एक ये यूनिट वेक्टर ले लिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन ले लिया. तो अब जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट वुड बी आर कॉस थीटा, यानी खाली कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि आर तो वन है. वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा इसका, आर साइन थीटा, आर वन है तो साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ये बन गए. और वेक्टर की फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस जीरो, कॉस थीटा आए प्लस साइन थीटा माइनस जीरो इज साइन थीटा जे. ठीक है, ये मेरा वेक्टर आ गया, दिस इज माय आर वेक्टर या ओ पी वेक्टर, जो भी आपको लगता है. अब इसमें आप थीटा बदलते जाओ. थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस. तो आप इसमें थीटा बदलते जाओ और आपका काम होता चला जाएगा. आप इसका वो भी चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो कि आपका आर क्या है, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन आ गया. तो ये मेरा वेक्टर है जो फुली सेटिस्फाई कर रहा है, इसको आप थीटा बदलते जाओ और ये आपके सारे यूनिट वेक्टर्स आते जाएंगे. ठीक है जी, जीरो से 360 का. तो ये एक सर्कल बना देगा बेसिकली, ये सर्कल जो दिख रहा है ये यूनिट वेक्टर का सर्कल ही बनेगा ना, क्योंकि आर तो रेडियस फिक्स्ड पॉइंट से सेम है, ओरिजिन फिक्स्ड पॉइंट है, रेडियस वन हो जाएगी, तो ये सर्कल बन जाएगा. थीटा की वैल्यू चेंज करते रहोगे आप, ये आपको सर्कल मिल जाएगा. राइट, नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 27. इफ दिस वैक्टर, दिस वैक्टर, दिस वैक्टर एंड दिस वैक्टर आर द पोजिशन वैक्टर्स, ये पोजिशन वैक्टर्स हैं ऑफ पॉइंट ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर. तो पहले हम क्या करते हैं कि ए बी और सी डी निकाल लेते हैं. तो सिंपल है, ये ओ ए है, ये ओ बी वैक्टर है, तो ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे तो ए बी वैक्टर आ जाएगा. सिमिलरली ओ सी माइनस ओ डी कर देंगे, सॉरी ओ डी माइनस ओ सी, तो सी डी वैक्टर आ जाएगा. ए बी वैक्टर आ गया ये आपका, ओ बी माइनस ओ ए ये निकल गया. मैग्नीट्यूड ले लिया ये आ गया, सी डी वैक्टर निकाल लिया ओ सी माइनस वो, तो ये आ गया सी डी आ गया मैग्नीट्यूड. अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट वाला लगा देंगे, उससे कॉस थीटा निकाल लेंगे, ऊपर डॉट प्रोडक्ट नीचे मैग्नीट्यूड डिवाइड. राइट, तो ये देखिए ये हमने उससे निकाल लिया आपका. ठीक है, माइनस वन आ गया, तो ये एंगल जो है कॉस इनवर्स में आप माइनस वन करेंगे तो आपका कौन सा एंगल आएगा, कॉस जीरो वन होता है, तो माइनस वन कब आएगा, जब कॉस आपका कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई इज माइनस वन, माइनस वन कॉस थीटा, सो थीटा इज पाई. तो ये एंगल आ गया. अब आपको डिड्यूस करना है कि ये कोलिनियर है. अब ए बी और सी डी जब डायरेक्शन ऑपोजिट है इनकी, तो कोलिनियर तो ये अपने आप हो गए ना, पैरेलल टाइप के वेक्टर्स हो गए ना ये. ठीक है, तो इससे हमारे पता चलता है. दूसरा कैसे पता चलता है आपको, दूसरा आप ये देख सकते हो कि आप ए बी और सी डी वैक्टर कौन से आए हैं, उससे भी बता सकते हो. और उससे वापस एक बार आपको ऊपर दिखाता हूँ मैं कि देखो ए बी और सी डी, ए बी इज दिस वैक्टर, ये आपका ए बी वैक्टर है. ठीक है, डायरेक्ट ये देखो वन फोर माइनस वन टाइप का, और ये आपका सी डी वैक्टर है. ठीक है, माइनस टू माइनस एट टू. तो अब आप इसको चाहे अपॉन करके देख लो, पैरेलल वेक्टर्स आ गए निकल के, माइनस हाफ आ रहा है ना सबका, या ये आप ये कह लो कि हाँ कंपोनेंट फॉर्म में तो आप ये कह सकते हो ए वन ओवर ए टू, बी वन ओवर बी टू और सी वन ओवर सी टू अगर बराबर है तो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो दैट मीन्स कोलिनियर है ना. बी इज इक्वल टू लैम्डा ए टाइप का हो गया ना ये, आप यहाँ से कॉमन निकाल लो माइनस टू, तो भी आपका बी इज इक्वल टू लैम्डा ए आ रहा है. ठीक है, तो किसी भी टाइप से बता सकते हो आप कि ये कोलिनियर है. अगला एग्जाम्पल, लेट ए बी सी बी थ्री वैक्टर्स सच दैट ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड एंड ईच वन ऑफ देम बींग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू.
जो अकेला अकेला ईच वन ऑफ देम इज बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, फाइंड दिस। तो इससे जो गिवन है आप ये निकालो कि जैसे ए वेक्टर है, ये दिया हुआ है, ईच वेक्टर इज बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, तो ये जीरो आ जाएगा। बी डॉट सी प्लस ए भी जीरो, सी डॉट ए प्लस बी भी जीरो आ जाएगा। अब जब मॉड्यूलस लिखने होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जब निकालना तो स्क्वायर करके निकालते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, स्क्वायर कह दो या ये कह दो, ठीक है। अब आप इसको खोल लो सारे को, अब ए प्लस ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उसने स्मार्टली खोला है कि ए को जब आप इसके साथ डॉट करेंगे तो दोनों के साथ अलग अलग मत करो, ऐसे कर दो, क्योंकि ये जीरो है, ऐसे ही ये जीरो हो जाएगा और ऐसे ही ये जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये बच जाएगा, इन शॉर्ट इसके तीनों के मैग्नीट्यूड हमें दिए हुए हैं, उनका स्क्वायर कीजिए, आपका आंसर आ गया। लास्ट पे आपको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट दिस, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो मीनिंगलेस होता है। एग्जाम्पल 29, थ्री वैक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइज द कंडीशन कि तीनों का सम जीरो है। इवेल्यूएट द क्वांटिटी म्यू ए बी बी सी सी है, डॉट है जो इनका, ये निकालना है, म्यू ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड आपको दे रखे हैं आपको सारे यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब सो इसमें देखो इसने कैसे किया है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया है, तो उसने ए के साथ डॉट कर दिया। अब मैं किसी वेक्टर का ए के साथ डॉट करूँगा अगर, तो अगर वो वेक्टर ज़ीरो है तो उसका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो आएगा, ठीक है। खोल लिया उसने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। अब ये ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे, मेरे पास है ए क्योंकि मुझे दिया गया है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी उसने यहाँ माइनस नाइन ले लिया, ठीक है जी। ऐसे ही फिर उसने बी डॉट के साथ किया इसको, तो ज़ीरो लेके ए ये निकाल लिया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी माइनस सिक्सटीन, ऐसे ही उसने ये निकाल लिया। अब वो सबको ऐड कर देगा, ठीक है। जब आप सबको ऐड करेंगे तो ये आपका ट्वाइस हो जाएगा, ये है और ये है, तो ये आपका ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो गया। और यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो ये माइनस 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 ट्वेंटी माइनस 29 हो जाएगा। तो बस आप टू से डिवाइड कर दो, ये वाला इधर ट्रांसपोज करके, तो माइनस 29 बाई टू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए माइनस 29 बाई टू आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे हम स्ट्रेट अवे करते हैं इसको, मेथड टू से हम बड़े सीधे से कर सकते हैं, और वो क्या है कि आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड करते हैं वो कर दो। तो ये क्या आएगा, ये आएगा कि दो बार डॉट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो उसको सॉल्व करके क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए डॉट बी वेक्टर में आप ये प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट। अब ये तो म्यू है, तो ये इसकी वैल्यूज डाल दो आप ये स्क्वायर करके, तो क्या आ गई 29 प्लस टू या म्यू, और ये क्या है ज़ीरो है, क्योंकि अगर वेक्टर ज़ीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो होगा, तो ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। आ गया आपका म्यू 29 बाई टू, दो सेकेंड में माइनस 29 बाई टू। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है। अगली एग्जांपल है 30, इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, ठीक है जी, राइट हैंडेड सिस्टम से करना, हमने अल्फा दिया हुआ है बीटा दिया हुआ है, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म बीटा इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू वैक्टर की फॉर्म है, एंड बीटा वन वेक्टर जो है इज पैरेलल टू अल्फा है, एंड बीटा टू जो वेक्टर है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हमें क्या करना है कि बीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा है, इसमें करना है, ठीक। अब बीटा वन जो है वो अल्फा के पैरेलल है, एक तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ कि बीटा वन इज इक्वल टू लेमडा एल्फा, पैरेलल है क्योंकि, और बीटा टू अल्फा के परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस बीटा टू ये वेक्टर है सारे, बीटा टू डॉट अल्फा वेक्टर आप करेंगे तो ज़ीरो आएगा, एक कंडीशन ये मिल रही है मुझे, ओके। बीटा मुझे गिवन है, बीटा मेरे पास है,
तो एक मेरे को एक्सप्रेस करना है बीटा को इस फॉर्म में, तो बीटा तो मेरे पास है, तो अगर मैं इसी की और वर्जन निकालूं तो मुझे देखो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, बस मेरा काम हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू डालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करता हूँ बीटा टू को बीटा माइनस बीटा वन डाल सकता हूँ। क्यों डालना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उससे जब मैं डॉट करूँगा तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, दोनों बीटा वन में आ जाएंगे, मेरा लैम्डा आ जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो उसने क्या किया, देखो बीटा वन लैम्डा से ही स्टार्ट किया, बीटा वन इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा से स्टार्ट किया, तो बीटा वन ये आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट करके, ठीक है ना। बीटा वन ये रहा आपका, कहाँ गया बीटा वन, अच्छा बीटा वन तो निकालना है, लैम्डा अल्फा, बस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो आप थ्री को और माइनस वन को, सो थ्री लैम्डा और माइनस लैम्डा, ये बीटा वन आ गया। अब बीटा टू बीटा माइनस बीटा वन है, तो बीटा आपके पास क्या है, ये वाला वेक्टर, इसमें से माइनस कर दो ये बीटा वन, सो टू माइनस थ्री लैम्डा ये आ गया, वन माइनस लैम्डा ये आ गया, प्लस हो जाएगा वन माइनस माइनस, और माइनस थ्री इधर कुछ नहीं है तो माइनस थ्री रहेगा, तो ये बीटा टू वेक्टर आ गया। अब बीटा टू का डॉट निकाल दो अल्फा के साथ, तो परपेंडिकुलर है जीरो आएगा, डॉट निकाल दिया, ठीक है, दिस इंटू अल्फा का थ्री ये आ गया, दिस इंटू माइनस वन ये आ गया, के इसमें जीरो है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस थ्री का, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, लैम्डा यहाँ से हाफ आ गया, लैम्डा हाफ आने से वापस डाल देते हैं, जहाँ मर्जी डाल दो आप, बीटा वन आ गया, लैम्डा यहाँ पे बीटा वन में डाल दो आप लैम्डा, ये आ गया बीटा टू बीटा माइनस बीटा वन में, ये जो बना था इसमें डाल दो लैम्डा, ये बीटा टू आ गया, ठीक है जी। तो बस बीटा वन बीटा टू आ गया, अब आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगली स्टार्ट होती है हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या बोल रहा है। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, राइट, दिस इज एक्स दिस इज वाई, इस पर मुझे एक यूनिट वेक्टर बनाना है मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, राइट। तो अब इसमें जो यूनिट वेक्टर है, अब इसका ये वन है, आर इज इक्वल टू वन है मॉड्यूलस, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, आर तो वन है, और ये साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर जो मेरा ये पी एक्स वाई है, ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई को छोड़ दो, हमें कौन सा उसने सारे मांगे, एक ही तो मांगा है, तो ये कॉस 30 की वैल्यू कितनी आती है आपकी, रूट थ्री बाय टू, और साइन 30 की 1/2, तो ये रूट थ्री बाय टू 1/2 हो जाएगा। तो वेक्टर क्या हो गया मेरा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये हो गया रूट थ्री बाय टू आई कैप प्लस हाफ जे कैप, सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द स्केलर कॉम्पोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। सो पी एंड क्यू अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका हो गया पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन, और क्यू को अगर आप ज्वाइन करेंगे एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है, ये अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूँ पॉइंट्स, सॉरी कंट्रोल सेट, तो ये पॉइंट्स का क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर्स नहीं बन जाएंगे क्या, ये अगर ओरिजिन है तो ये वेक्टर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक्स वन आए प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ठीक है। और वैसे भी हमें पता है कि हम क्यू माइनस पी करेंगे, आप ओ क्यू माइनस ओ पी कर लो चाहे क्यू माइनस पी, बात एक ही आने वाली है। तो ये जो पी क्यू वैक्टर आने वाला है ये आपका क्या आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, समझ आ गया ना आपको, कि आप ओ पी वैक्टर भी ये भी ले सकते हैं और ये ओ क्यू वैक्टर हो जाएगा। अब ये एक्स टू माइनस, अब ये जीरो 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 अगर आप पॉइंट से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू आई
प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, और इधर जो ओपी वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, यही सेम ही एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस सॉरी वन वन आएगा प्लस जेड वन के कैप। तो ओ क्यू माइनस ओ पी कर देंगे अगर आप तो पी क्यू वैक्टर मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट से भी आ जाता है। तो ये पी क्यू वैक्टर आ गया, लेकिन मांगा क्या है, स्केलर कॉम्पोनेंट्स। तो स्केलर कॉम्पोनेंट्स क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्केलर कॉम्पोनेंट्स का। दूसरी चीज उसने क्या मांगी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिंपल इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऐड करके डिवाइड कर, वो अंडर द रूट कर दो, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर। ठीक है जी, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये स्केलर कॉम्पोनेंट्स, बिना i कैप j कैप के लिखने अलग अलग, ठीक है, स्केलर कॉम्पोनेंट्स। अगला है जी थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो एक लड़की जो है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट गई है, यहां से यहां तक सपोज 4 किलोमीटर, इसके ऊपर दूसरा कलर यूज करते हैं, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, यहां तक आ गया, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, साउथ। When she then she walks 3 किलोमीटर in the direction 30 degree east of north। तो यहाँ पे जो north है वो ये हो गई, ठीक है, this is the north from here। अब east of north 30 degree, so 30 degree east of north अगर जाएगी तो ये गई सपोज यहाँ पे, कुछ भी लगा लो, this is 30 degree ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है जी, इधर आ गया, ओके, एंड स्टॉप्स। तो इस पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगी, ओरिजिन से, यहीं से जहाँ से चली थी, यही डिस्प्लेसमेंट है उसकी, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओ से चली, ए पे गई, बी पे जाके रुक गई, राइट। अब B की डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल ही हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो पहले वो गई है 4 किलोमीटर्स, तो ये चीज़ तो है 4 किलोमीटर्स, राइट। अब ये 30 है तो ये एंगल भी 30 मिल जाएगा मुझे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पैरेलल हो जाएंगे परपेंडिकुलर्स। और उसके बाद वो 3 किलोमीटर गई है किधर, ये ए बी 3 किलोमीटर्स, तब 30 आ गया, 3 आ गया। तो अब मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, जो मेरा इसको अगर मैं डी ले लेता हूँ तो बी डी क्या है, कॉस 30, इट इज़ कॉस 30, और ए डी क्या है, साइन 30, ठीक है जी, सो ए डी इज 3 sin 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। और मेरा जो बी डी है वो इज 3 cos 30, दैट मीन्स 3√3/2। अब डी ओ कितना रह गया, डी ओ जो है वो आपका 4 - AD कर दें, यानी 4 - 3/2 कर दें, यानी 5/2 आ गया। तो ये चीज़ मेरी 5/2 आ गई, ठीक है जी, और ये चीज़ जो है बी डी बी, ये मेरी कितनी आ गई, 3√3/2। तो ये जो बी है ये पॉइंट का मेरा क्या आ गया कोऑर्डिनेट्स, 5/2 और 3√3/2। तो अभी ओरिजिन है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस करके निकाल देते हैं, तो यही डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली मेरी, तो है ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, वैक्टर फॉर्म में अगर आपने लिखना है, क्योंकि वैक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट, सो ओ बी वैक्टर इज 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप, क्योंकि आप ओरिजिनल से माइनस करोगे 0 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन,
इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस सी वैक्टर फॉर्म में, देन इज इट ट्रू दैट ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। देखो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर हम लेंगे, वैक्टर भी लेंगे, वैक्टर एडिशन जो हम करते हैं सिंपल ट्राइंगुलर लॉस है, तो अगर मेरा ये बी वैक्टर है और ये मेरा सी वैक्टर है, तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो मेरा ए वैक्टर के बराबर आ रहा है, तो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है। अब मैं मैग्नीट्यूड्स की बात भी अगर करूँगा तो मैग्नीट्यूड्स में भी ट्राइंगल में क्या होता है कि जो सम ऑफ टू साइड्स है, ट्राइंगल की इनइक्वालिटी जो होती है, जो सम ऑफ टू साइड्स है, जो उसकी लेंथ है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, सो इस बेस पे पता चल जाएगा कि ये नो है। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, जस्टिफाई हमने कर दिया। और वैसे भी अगर आप सोचो कि b प्लस सी, ये मेरा b वेक्टर का जस्ट एक लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है, ये b लेंथ है, ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से c लेंथ है, अलग कलर में लेते हैं, और उसके बाद एक अलग कलर में a लेंथ उसके बराबर है, यही मतलब हुआ ना मेरा कि ब्लू जो है मेरी वो b की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और पर्पल जो है मेरी वो मेरी सी की लेंथ है, और रेड जो है मेरी है ए की लेंथ है। तो ऐसा केस तो तब होगा जब ये लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे होंगे, ट्रायंगल नहीं बन सकती है ना। तो अगर ये केस आ गया तो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो फिर ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ सिर्फ इस केस में ट्रू हो सकती है जब कोलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है, बी सी ए की लाइन में और ए उनके ऊपर पूरा पड़ रहा हो, इस केस में तो ये नो ही रहेगा आंसर। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो अगर दिस इज अ यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड्यूलस जो है बेसिकली के कैप मॉड्यूलस वन होना चाहिए। x तो वैल्यू निकालनी है इसकी, x को बाहर निकाल लेते हैं या x मॉड बाहर निकाल लो, जो भी आपको लगता है, अंदर i j k रह जाएगा मॉड्यूलस में। तो इसका मॉड्यूलस क्या होने वाला है, इसका मॉडल 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, रूट 3 होने वाला है इसका मॉड्यूलस। ठीक है जी, सो अगर आपको लग रहा है कि ये शॉर्टकट में लिखा गया तो बस एक स्टेप फालतू लिख सकते हो। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 1/√3, राइट, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/√3। तो इसमें एक छोटा सा क्या करेंगे, जब 1/√3 करेंगे तो प्लस माइनस ज़रूर लगा लेना क्योंकि रूट है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसका वो कर लेंगे। अब रूट क्यों आया आप कहेंगे, यहाँ पे देखो टेक्निकली अगर आप सॉल्व करोगे ना तो एक्स आई जो है बीच में जा रहा है, एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। अब जब आप इसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट हो रहा है। ठीक है, सो 3x² अंडर द रूट, अब ये हो गया रूट 3। अब ये प्लस माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि या आप चलो प्लस माइनस एक्स भी छोड़ दो, आप क्या करेंगे रूट, ये जो एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो मॉड एक्स टाइप का होता है ना ये। ठीक है, तो इसलिए प्लस माइनस ले लेंगे। तो मॉड एक्स अगर बेसिकली, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं उसे कि एक्स स्क्वायर का रूट जो मॉड एक्स होता है, तो ये मॉड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ गया, या मतलब अगर मॉड एक्स वन आ रहा है तो एक्स जो है वो प्लस माइनस, ये 1/√3 आ रहा है, तो एक्स जो है प्लस माइनस 1/√3 आ गया। यहाँ पे भी फिर एक काम करो, पैरेलली आप इस मॉड को ही निकालो बाहर, तो मॉड एक्स जो है 1/3 आ गया। ठीक है, तो एक्स आपका 1/3 प्लस माइनस का आ सकता है। तो ये मेरा आंसर ऐसे कंप्लीट करता है, दोनों मेथड ओके, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है, ऑब्वियसली ट्राइंगल ऑफ एडिशन, तो रिजल्टेंट वैक्टर जो है वो ए प्लस बी होगा, तो दैट मीन्स क्या होगा, ए प्लस वी, रिजल्टेंट इज ए प्लस बी वैक्टर, इसके पैरेलल होगा, यूनिट होगी तो इसके पैरेलल जो वैक्टर होगा, सपोज सी वैक्टर इसके पैरेलल है तो लेमडा लग जाएगा इसका, कि सी इज इक्वल टू दिस, तो पैरेलल आ जाएगा। ठीक है,
और उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स, तो हम क्या करेंगे, इस सी वेक्टर का कैप ले लेंगे। तो जो डी वेक्टर निकालना है वो आपका 5 यूनिट्स का उसका मैग्नीट्यूड होगा, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन कर देंगे सी की, ताकि डायरेक्शन सी की आ जाएगी तो पैरेलल रहेगा इसके। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बन गया। तो अब इसके लिए सबसे पहले सी वेक्टर निकालते हैं, एंड सी वेक्टर इज ए प्लस बी। तो ए प्लस बी वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं सीधा सीधा, ठीक है जी। तो हम इस लैम्डा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम डायरेक्शन सीधी सी कैप निकाल लेंगे। तो सी वेक्टर इज ए प्लस बी, सो 2 + 1 = 3, 3 - 2 = 1, -1 + 1 ये 0 हो गया, तो यही बचा। अब सी कैप निकाल लेते हैं, तो सी वेक्टर अपॉन कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1, √10 हो जाएगा, ठीक है जी। अब डी क्या हो गया, डी इज 5 × दिस, तो 5 × √10 इधर आ जाएगा, और ब्रैकेट में 3i + j कैप हो जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ये उठा लिया और मैग्नीट्यूड 5 उठा लिया, ठीक है जी। अब आप इसको बस खोल के लिख दो, अगर आपने खोल के लिखना है, सो डी कैप, अच्छा आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, नीचे रूट अच्छा नहीं लगता है, सो लेट अस रैशनलाइज इट, 5/√10, √10/√10, तो 5/√10/10 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये √10/2, तो √10/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3√10/2 आई कैप प्लस √10/2 जे कैप। ये मेरा ऐसा वेक्टर हो गया जो कि पैरेलल है ए प्लस बी के, राइट, यानी कि सी के, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट्स। सेवंथ क्वेश्चन, इफ ए बी सी वेक्टर, ठीक है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर लो, सबसे पहले तो इस वेक्टर को निकाल लेते हैं, सो 2 × a प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस बी 2i - j + 3k + 3c, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, एक बार साइंस को चलो लिख लेते हैं ठीक से, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2 को, फिर माइनस साइन से डिस्ट्रीब्यूट करके सारे अंदर के साइंस चेंज कर दिए, 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर, -6j + 3k। आप क्या करते हैं कि 2 - 2 कैंसिल आउट हो गए, 3i बचा, 2j, 3j - 3j, 2k - k हो गया, चाहिए काट दो, तो +2k। आपका ये वेक्टर निकाल लिया मैंने, अगर हम इसको डी वेक्टर बोल दें हैं, तो डी वेक्टर आ गया जी आपका। अब पैरेलल बनाना इस वेक्टर के, तो डायरेक्शन डी वेक्टर की उठा लेते हैं, यूनिट वेक्टर होना चाहिए वो, तो यूनिट वेक्टर उठाना चाहिए, मतलब डी की डायरेक्शन अकेली ही काम कर जाएगी, ठीक है। सो डी कैप इज डी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, वेक्टर तो यही है, +2k कैप, मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 + 9 = 18 + 4 = 22। आप इसको मैग्नीट्यूड को अलग अलग करके लिख दो बस, 3/√22i कैप -3/√22j कैप +2/√22k कैप, ठीक है। इसको उसने पंगा नहीं लिया, देखो रैशनलाइज करने का, इसमें नीचे छोड़ दिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वेक्टर आ गया, वो यूनिट वेक्टर आ गया जो कि पैरेलल है इसके, बेसिकली इसी का यूनिट वेक्टर निकाला, तो इसके पैरेलल, ये डायरेक्शन हर पैरेलल वेक्टर में रहेगी। अगला है जी 8th क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स ए
बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। चलो सो सबसे पहले हमें कोलिनियर बनाने हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए बी सी है, तो आप इसको एक लाइन में ही लिख लेते हैं। अगर ए क्या है, 1 - 2 - 8, बी क्या है, 5 - 0 - 2, इसी को आगे ले चलते हैं। सी क्या है, 11 - 3 - 7। अब मैं अगर ए बी वेक्टर निकालूं तो क्या होगा, 5 - 1 - 4 i कैप, 0 - -2 + 2 हो जाएगा, -2 + 8, -2 + 2 हो जाएंगे ना, तो ये 6 k कैप। ऐसे ही बी सी वैक्टर देखते हैं, 11 - 5 - 6 i कैप, 3 - 0 - 3 j कैप, 7 - -2 + हो जाएगा, 7 + 2 - 9 k कैप। कंपोनेंट फॉर्म में पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए, आप चेक कर सकते हैं कि 4/6 + 2/3 = 6/9 है क्या, बिल्कुल है, ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल है बी सी के। और दूसरी चीज, बी पॉइंट इज कॉमन, बी पॉइंट कॉमन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जरूरत ही नहीं है पैरेलल से, हमने कौन सा वो बता दिया। चलो ठीक है, कोलिनियर वेक्टर तो यहीं से आ गया ना, अब पॉइंट अगर कॉमन है तो एक ही लाइन में पढ़ रहे हैं, तो ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी, आप यहीं से बता सकते हो पैरेलल है तो कोलिनियर है। ओके, अब अच्छा, हमने वेक्टर्स को लीनियर नहीं बताने थे, हमने पॉइंट्स को लीनियर बताने थे, तो ये लाइन का बनता भाई मीनिंग कि बी पॉइंट कॉमन है तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर, क्योंकि वेक्टर नहीं बोला उसने को लीनियर बताने को, उसने पॉइंट्स बोला। अगला है, फाइंड द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, बी किस रेशो में इसको डिवाइड करता है, हमने वो निकालना है। अब हम इसे सेकेंड पार्ट है कि किस रेशो में बी डिवाइड करता है ए सी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इसे जो हमें वेक्टर मेथड आता है उससे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं इन सबको ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो इनके पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो ये ओ वेक्टर ले लेते हैं, ये आर बी है ही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए वेक्टर जो हो गया ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, सी वेक्टर ये, तो सी वेक्टर आपका क्या बना, 11 i + 3 j कैप + 7 k कैप, क्योंकि ओरिजिन तो 0 0 0 ही होता है, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर बी का ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा, 5 i + - सीधा 0 है उधर, तो -2 k कैप। और ए का क्या बन जाएगा, i - 2 j कैप - 8 k कैप। अब कहते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट बी वेक्टर जो है इसे किसमें लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो आप अब इसमें लगा सकते हैं कि बी वेक्टर जो है क्या बनेगा, लैम्डा इंटू सी वेक्टर प्लस 1 * a वेक्टर ओवर लैम्डा प्लस 1, ठीक है। सो बी वेक्टर इज 5 i - 2 k और लैम्डा सी, सी के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ चलो एक एक स्टेप फालतू ले लेते हैं, 11 i + 3 j कैप + 7 k कैप + a वेक्टर लिख रहा हूँ, i - 2 j - 8 k कैप ओवर लैम्डा प्लस 1।
लैम्डा को प्लस वन को क्रॉस मल्टीप्लाई करने इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस वन इस पूरे 5 से मल्टीप्लाई, आई माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो के कैप इज इक्वल टू, अब यहाँ अगर आई कैप लूँगा तो क्या आएगा, 11 लैम्डा प्लस 1, प्लस के कैप में क्या आएगा, 3 लैम्डा माइनस 2, प्लस सॉरी जे कैप है, के कैप में क्या आएगा, 7 लैम्डा माइनस 8, किसी एक को कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो किसको कंपेयर करेंगे, किसी एक को उठा लो, आई आई को कंपेयर कर दो, तो 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 11 लैम्डा प्लस 1, तो ये 4 इज इक्वल टू 6 लैम्डा हो गया, लैम्डा कितना आ गया, 4/6 यानी कि 2/3, तो 2/3 अगर लैम्डा आ गया तो ये जो मेरी रेशो है ये कितनी होगी, 2/3 रेशो 1, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 रेशो 3 होगी, सो ये मेरा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, कि किस रेशो में बी वेक्टर जो है ए सी को या पॉइंट जो है वो डिवाइड करता। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, फाइंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हूज पोजिशन वैक्टर्स आर दिस एंड दिस, ये पी का पोजिशन वैक्टर है और ये क्यू का पोजिशन वैक्टर है, इन दोनों को आर किस रेशो में डिवाइड करता है, अच्छा दी हुई है वो, हमने सिर्फ उसके पोजिशन वैक्टर निकालना है, एक्सटर्नली कर रहा है इसको डिवाइड इन द रेशो 1:2, ऑल्सो शो दैट पी इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर की, तो इसमें जो आर पहले आएगा, पी मिड पॉइंट में आएगा और क्यू यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने शो करना तो मैंने वैसे ही बना लिया। अब यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं तो दैट मीन्स हमें ऑलरेडी ओरिजिन से दिए हुए हैं, तो Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो a माइनस 3b है, R का जो P का पोजीशन वेक्टर है वो 2a प्लस b है, और R का पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना है, ओके, तो इसको मैं R वेक्टर ले रहा हूँ। अब वो कहता है कि 1:2 में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब होगा, कि जो मेरा P है Q है, सो P से R जो है वो 1 होगा, तो P से R इज 1 और Q से R विल बी 2, तो अब ऑब्वियस ही बात है जो एक पोर्शन अगर दो में से निकल गया तो ये P से Q भी एक ही पोर्शन रहेगा, ठीक है, तो अब इसमें आप क्या करेंगे कि R वेक्टर जो मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, 1 इंटू a माइनस 3b, ठीक है जी, माइनस, तो एक काम करते हैं, अगर माइनस करना है तो पहले वाला पोर्शन हमें लेना चाहिए, पहले नीचे भी बराबर ही रहेगा लेकिन मैं उसको पहले लिखूंगा, ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, 2 माइनस 1 नीचे पॉजिटिव लेंगे तो 2 का पहले लेते हैं, सो 2 इंटू ये वाला वेक्टर 2a प्लस b माइनस 1 इंटू ये वाला वेक्टर 1 इंटू दिस a माइनस 3b ओवर 2 माइनस 1, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, सो अब ये हो गया 4a माइनस a यानी कि 3a, फिर 2b प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये प्लस 5b हो जाएगा ओवर 1 ही है, तो ये मेरा r वेक्टर जो है वो निकल आया उसका पोजीशन वेक्टर, राइट, अब उसे बोला ऑल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू, तो आप इसको अब उल्टा ट्रू कर दो, अब ये मेरा क्या निकल आया है, 3a प्लस 5b, सो पी अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा,
तो ये आपका आर प्लस क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय टू होता है आपका मिड पॉइंट। ठीक है, हमने मिड पॉइंट प्रूव करना है ना, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, आर प्लस ये निकाल लेते हैं, अगर पी के बराबर आ गया तो ठीक है, इसको पी मत लिखो, इसको मिड पॉइंट लिखो, मिड पॉइंट वेक्टर। तो ये आपका आ गया आर इज दिस, प्लस दिस करोगे 3 + 1 इज 4 है, प्लस 5 - 3 2b डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2a + b आ गया, तो ये तो p वेक्टर ही आ गया। सो ये भी प्रूव्ड हो गया कि p इज दिस, दिस इंप्लाइज p इज मिड पॉइंट ऑफ आर की। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट आर की को ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, तो दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं मुझे, तो ये मुझे 2i माइनस 4j प्लस 5 के दी हुई है, और ये साइड मुझे i माइनस 2j माइनस 3 के, दो एडजेसेंट मैंने ले ली। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो डायगोनल के पैरेलल जब मैं लूँगा तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, अगर ये मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर, नहीं पोजीशन वेक्टर मत मानो, दो वेक्टर्स ही मान लो आप सिंपली, तो इन दोनों का एडिशन ये होता है। ठीक है, इफ़ दिस इज़ ए वेक्टर, इसका कलर चेंज ले लेते हैं, इफ़ दिस इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर, तो ये ए प्लस बी वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हो जाएगा, तो सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 2 + 1 3, -4 - 2 - 6, -6 कर देते हैं जे कैप, फिर आगे 5 - 3 + 2। ठीक है जी, अब ये सपोज सी वेक्टर आ गया लेट अस से, तो अब सी कैप निकालेंगे क्योंकि उसने क्या मांगा है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो ये आपका सी कैप जो होगा ये सी वेक्टर ओवर सी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो सी वेक्टर यही है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा 9, 9 + 36 45, 45 + 4 यानी कि 49, राइट, तो 49 से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट भी लेना आपने उस 49 का, तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे 49 का क्या आ जाएगा 3/7 आई कैप -6/7 जे कैप +2/7 के। ठीक है जी, तो ये मेरा वेक्टर आ गया आपका यूनिट वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन निकल के आ गई, अब इसमें आप जिस मर्जी मैग्नीट्यूड करो सारे पैरेलल ही आएंगे, तो ये यूनिट वेक्टर वो है जो पैरेलल है इन ए प्लस बी के यानी कि डायगोनल के। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, अब पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना आपने, एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, इट इज सिंपली ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी आप करेंगे, आप ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा आई जे के, ए के कोफिशेंट्स लिख लिया आपने, बी के लिख लिए, तो ये आपका हो गया मॉड्यूलस में रखना हमें आई कैप -12 + 10, -2 आ गया, नहीं +12 है, +12 + 10 22 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस जे कैप लेंगे तो -6 - 5, के कैप लेंगे -4 + 4 0 हो जाए, इसका मॉड्यूलस लेंगे तो यहाँ से आप देखो 11 बाहर निकाल सकते हो, मॉड्यूलस में क्या आया 2i + j,
इसका मॉड्यूलस आपका क्या बना, 4 + 1 5, तो 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा पैरेललोग्राम का एरिया। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ऑन ओ जेड आर दीज, प्लस माइनस के साथ। तो डायरेक्शन जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो अगर हम डायरेक्शनल एंगल जो है, इंक्लिनेशन का एंगल जो है वो अल्फा ले लें, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, डी सीज आपके हो जाएंगे कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, एल एम एन जो है आपका ये हो जाएगा। वी नो कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है, तो कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा क्या हो जाएगा जी, 1, 3 कॉस स्क्वेयर अल्फा 1, कॉस स्क्वेयर अल्फा 1/3 कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3। तो आ गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन तो सब बराबर है, तो दैट मीन्स तीनों के मेरे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, लेट ए बी एंड सी वेक्टर्स दिए हुए हैं, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी जो डॉट प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 15 दिया हुआ। अब परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो मैं ए क्रॉस बी निकाल लूँ तो भी मेरे को डी मिल जाएगा, ठीक है जी, तो ए क्रॉस बी निकालने से डी आ जाएगा, बट यहाँ पे डी में क्योंकि डी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज लेट डी वेक्टर अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म दी हुई है तो इसको हम कुछ अलग ही ले लें, डी वन डी टू डी थ्री प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप। अब तीन वेरिएबल ढूंढने मुझे, तो ए क्रॉस बी से बात बनेगी नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है, वेक्टर तो आ जाएगा बट बाकी कंडीशंस भी तो देखनी है। तो एक काम करते हैं, एक एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ए डॉट डी पहली है परपेंडिकुलर है तो ये ज़ीरो आएगा, ठीक है, तो इससे आएगा ए वेक्टर के साथ ले लेते हैं, सो डी वन प्लस 4d2 प्लस 2d3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और एक्स वाई जेड लेते ज़्यादा बेटर रहता है, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, ठीक है, तो उससे जल्दी हमारा निकल जाएगा, चलो कोई नहीं, चलने दो ऐसे नहीं तो ए डॉट, अब बी डॉट डी भी ज़ीरो है क्योंकि बी के भी परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तीसरी चीज़ सी डॉट डी इज 15, तो यहाँ से सी के साथ कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इज इक्वल टू 15, ओके। अब ऐसी जब तीन इक्वेशन आ जाती है ना, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं आप, पहली दो को सॉल्व करते हैं और उससे तीसरी में डाल देते हैं। सो पहली दो को अगर हम उठाएंगे सो क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, डी वन ओवर 28 प्लस 4, ठीक है जी, डी टू सो 2 × 3 = 6, 6 − 7 − 1, राइट, सो इसके बाद डी थ्री −2 − 12 माइनस, इन सबको हम एक के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, के बराबर लेने से क्या होगा कि
डी वन जो है वो 32 के आ जाएगा, थर्ड में पुट कर देंगे। डी टू माइनस के बराबर और डी थ्री माइनस 14 के बराबर, इसको 3 में सब्सिट्यूट कर देंगे। तो 2D1 32 के माइनस डी टू माइनस के प्लस 4D3 इज इक्वल टू 15। तो 64 के प्लस के माइनस 56 के इज इक्वल टू 15। तो 65 में से 50 गया, 15 बच गया, 15 में से 6 और चला गया, ठीक है। या आप 60 निकाल लो तो 5 बच गया, 5 में 4 करेंगे तो 9 आ गया। 9 के इज इक्वल टू 15 और के की वैल्यू आ गई आपकी 15/9, 3533। सो अब इसमें देखो कि के की वैल्यू हम कहाँ करेंगे, हमने तो डी वेक्टर निकालना था। सो वापस से आप एक काम करो, डी वन डी टू डी थ्री निकाल लेते हैं पहले। डी वन इज 32 के, 32 इंटू 5/3, 5 × 2 = 10, 1 × 5 = 15, 160/3, ठीक है जी। डी टू कितना निकलेगा, माइनस के, -5/3, ठीक है। डी थ्री कितना निकला, -14 के, सो -14 × 5 इज -70/3, राइट। अब बस हमने इसको पुट करना है, तो ये मेरे पास D1, D2, D3 आ गए हैं। बस अब इनसे वेक्टर लिखना हमने D, और D वेक्टर क्या था हमारा, D1 I कैप प्लस D2 J कैप प्लस D3 K कैप। D1 की जगह आएगा 160/3 I कैप प्लस D2 की जगह आएगा -5/3, जे कैप डी थ्री की जगह भी माइनस ही आएगा 70/3। सो ये मेरा वेक्टर आ गया जी। ये आप क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप सर्कल करें और स्टार लगाएं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, देखो वो कहता है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर के साथ, यूनिट वेक्टर कहाँ किस उसमें है, along the sum of these two vectors। तो सबसे पहले तो इन दो वैक्टर्स का सम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा आई प्लस 4 प्लस 2 इज 6 जे कैप, -5 प्लस 3 इज -2 के कैप। अब ये सम हो गया ना, दिस इज सम। तो इसकी डायरेक्शन में जो है यूनिट वैक्टर है, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो मतलब सम का कैप निकालना। अगर सम को मैं एस से डिनोट कर देता हूँ, एस कैप निकालना है, तो दैट वुड बी एस वेक्टर, ये एस वेक्टर है जैसे, ओवर एस मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप। ओके, इसको ब्रैकेट को नहीं लगाने की जरूरत है। ओवर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 अंडर द रूट। तो ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया इसकी डायरेक्शन में,
ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना है इसका इस वेक्टर के साथ। अगर ये ए वेक्टर मान लेता हूँ मैं, तो मुझे क्या निकालना है, ए डॉट एस कैप ये वन के बराबर है, इज इक्वल टू वन, ठीक है जी। तो अब आप ए वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई डॉट करेंगे, तो डॉट में ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, आई प्लस जे प्लस के, राइट। तो इनका डॉट क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू वन। सो टू प्लस लेमडा आई, तो ये हो जाएगा टू प्लस लेमडा, प्लस जे के साथ वन के साथ सिक्स के साथ वन करेंगे सिक्स हो जाएगा, माइनस टू के साथ वन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है जी। अपॉन में ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर हो ही चुका है, ये इधर क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका रूट के साथ हो जाएगा, रूट के अंदर अगर आप खोलना चाहें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा प्लस 40, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा आपका, इसको भी खोल लो, अगर आपने खोलना है, टू टू कैंसिल आउट हो रहा है, तो लैम्डा प्लस सिक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, इधर से रूट हट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस फोर लैम्डा प्लस 44, तो इधर क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकता हूँ मैं, ठीक है जी, 4 लैम्डा को उधर भेज देते हैं तो 8 लैम्डा हो जाएगा, 36 को उधर भेज देते हैं तो 44 माइनस 36 इज ऑल्सो 8, सो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1। दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स, तो आपस में तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, शो दैट द वैक्टर सी डी इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में करेक्शन कीजिए, गलत है थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 है ये काट दीजिए, इसकी जगह यहाँ पे है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी वेक्टर, ठीक है, और ए बी सी जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो दैट मीन्स ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है जी, बी डॉट सी भी ज़ीरो होगा और ए डॉट सी भी ज़ीरो होगा, ठीक है जी, इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं तो दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल है, तो ये गिवन पोर्शन हो गया एक टाइप से। अब मुझे शो करना है कि ये ए प्लस बी प्लस सी जो है सबके इक्वली इंक्लाइंड है वेक्टर के, तो सबसे पहले अगर मैं सपोज ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच में एंगल निकालता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा वन ले लेते हैं सपोज, तो अब कॉस थीटा वन अगर इस साइड आ गया तो ये हो जाएगा, अब इसको आप ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको फर्दर देखेंगे, अगर मैं इसका डॉट खोल दूं ऊपर वाला, तो ये क्या होगा, ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगा, ए डॉट सी भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे पास है ही है, तो ए डॉट ए ए स्क्वायर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ओवर ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये मैग्नीट्यूड भी फर्दर कट जाएगा एक ए, तो क्या बच गया, ये बच गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए ओवर ए प्लस बी प्लस सी का
मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को बी के साथ डॉट करूं तो कॉस थीटा टू ले सकते हैं सिमिलरली, तो वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी को डॉट बी के साथ कर रहा हूं और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं, बी मैग्नीट्यूड। तो ये भी देखो, ये आपका जो है बी का डॉट सी से करोगे तो ज़ीरो, बी का डॉट ए से करोगे तो ज़ीरो, बी बी रह जाएगा। तो बेसिकली ये भी ये कट जाएगा, एक बी बी ये वाला रह जाएगा, बी ओवर ए प्लस बी प्लस सी। लास्ट में जब मैं ए प्लस बी प्लस सी और सी के बीच में सपोज एंगल थीटा थ्री है, तो सिमिलरली कॉस थीटा थ्री जो एंगल निकालूंगा मैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी वेक्टर के बीच में, तो नीचे डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स सी का मैग्नीट्यूड, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। देखो सी डॉट बी जीरो है, सी डॉट ए जीरो है, तो सी डॉट सी सी स्क्वायर, तो सी कट जाएगा नीचे वाले मैग्नीट्यूड के साथ, तो खाली ये बच जाएगा, राइट। अब आप देखिए कि आपके पास एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब ए बी सी मैग्नीट्यूड तो बराबर दिए हुए हमें ऊपर, कि तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, और नीचे बराबर है डिनोमिनेटर, हो गया ना बराबर। तो दैट मीन्स कॉस थीटा वन इक्वल टू कॉस थीटा टू, कॉस दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा टू इज इक्वल टू कॉस थीटा थ्री, तो इक्वली इंक्लाइंड हो गए, कहने का मतलब थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री हो गया। सो इसका मतलब जो उसने बोला था कि ये जो ए बी सी वैक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है ए बी सी के, ये बिल्कुल हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, प्रूव दैट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर गिवन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ए बी नॉन जीरो वैक्टर्स हैं, तो अगर मैं इस साइड को एल एच एस को खोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इज ए स्क्वायर प्लस बी डॉट बी इज बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट ए। अब ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे क्योंकि कम्यूटेटिव होती है, ए बी और बी एक बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, ठीक है। अब वो कह रहा है राइट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान दो कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए बस, तो ये पार्ट ज़ीरो चाहिए मुझे, ठीक है। और ये पार्ट ज़ीरो कब होगा, जब मेरा ए डॉट बी ज़ीरो होगा, अब ए बी तो ज़ीरो है नहीं यहाँ से, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू टू डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है जी। यही उसने हमें प्रूव करने को बोला था। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, एम सी क्यूज है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन जीरो ओनली वेन, तो ए डॉट बी के बीच में थीटा एंगल है, ए डॉट बी जो होता है वो क्या होगा ए बी कॉस थीटा। अब ए बी को बोल रहा है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो दैट मीन्स दिस चीज़ जो है ए बी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इक्वल टू बी अलाउड है, तो ए बी तो मैग्नीट्यूड्स हैं, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेंगे, ज़ीरो ज़ीरो भी नहीं ग्रेटर देन ही रहेंगे, तो डिपेंड किस पे करेगा, कॉस थीटा पे, ठीक है, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो।
अब इसमें आपका कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब जीरो 90 डिग्री होता है, और ग्रेटर देन जीरो कब होता है? जीरो से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहने का मतलब जब ये आपका जीरो से थीटा 90 के बीच में रहेगा, यानी पाई बाय टू कह लो, ऊपर पाई बाय टू में सारे आंसर, तो जीरो से पाई बाय टू के बीच में रहेगा। अब जीरो पे वन होता है तो जीरो तो अलाउड है, ठीक है, और पाई बाय टू पे जीरो होता है, जीरो भी अलाउड है। सो ऑप्शन क्या होगी? बी, ए और बी के बीच में से बननी थी, लेकिन अलाउड है जीरो और वन, तो ये मेरा बी आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, थीटा की वैल्यू क्या होगी? सो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बैक साइड से स्टार्ट कर सकते हो कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स को, तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा। अब ये क्या होता है? ये ए प्लस बी, इसका डॉट होता है इसके साथ, तो बेसिकली अब तो इसका फॉर्मूला याद हो ही गया होगा आपको, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड में प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे मेरे पास ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, सो वन प्लस वन प्लस टू ए बी डॉट सॉरी इज इक्वल टू वन, सो टू प्लस टू ए डॉट बी इज इक्वल टू वन, सो टू ए बी ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस वन। ए बी मैग्नीट्यूड में डाल लीजिए, खोल दीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये टू ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब ये तो यूनिट वेक्टर है, तो कॉस थीटा जो माइनस वन बाई टू आ गया, तो कॉस थीटा माइनस वन बाई टू कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई थ्री की, सो थीटा इज पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी कि 2π/3, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के एंड के डॉट आई क्रॉस जे इज, इसमें हम उसकी हेल्प ले लेते हैं अपनी जो हमने बनाया था राइट हैंड सिस्टम। ठीक है जी, आप जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं, आई मिलेगा, आई क्रॉस के करेंगे तो उल्टा जाएगा, माइनस जे मिलेगा। प्लस अब आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिलेगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस ये माइनस जे स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, तो वन माइनस वन प्लस वन, तो ये कैंसिल आउट कर दो, वन इज माय आंसर, दैट इज 18th का सी। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो उसने हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इट इज ए बी कॉस थीटा, इधर ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब ए बी जो है यहाँ पे हम अलग अलग मॉड कर सकते हैं, तो ए बी मॉड्यूलस में कट जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड जाए हैं, ये कॉस थीटा का जो है आपका इक्वल टू किसके आएगा? साइन थीटा के, एन कैप का मैग्नीट्यूड करेंगे, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन है ये सिर्फ, इसका भी वन हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है जी।
तो वैसे तो बेसिकली तो मॉड में है, ठीक है, लेकिन वैल्यूज इनकी बराबर आएगी, तो पाई बाय फोर पे ही, यहाँ के आंसर्स के हिसाब से सीधा पाई बाय फोर दिख रहा है मुझे कि पाई बाय फोर पे दोनों कॉस थीटा साइन थीटा बराबर होते हैं।